शिवपुर नगर पालिका में भ्रष्टाचार चरम पर, संपत्ति कर जमा होने के बावजूद थमाए जा रहे हैं नोटिस। नगर विकास का बिगुल बजने वाली नगर पालिका शिवपुर में भ्रष्टाचार चरम पर है। जहां नगर विकास के नाम पर नगर पालिका शिवपुर में लाखों के भ्रष्टाचार को तो ऑफलाइन कार्य के नाम पर अंजाम दिया है, वहीं भ्रष्टाचार इस हद तक बढ़ गया है कि नगरवासियों को भी नगर पालिका द्वारा नहीं बख्शा जा रहा। जहां नगर पालिका द्वारा नगरवासियों पर लगाए गए विविध करों का नगरवासियों द्वारा भुगतान किए जाने के बाद भी उन्हें कर जमा करने के लिए नोटिस थमाए जा रहे हैं। जहां मोहनलाल पुत्र मीनलाल जर्रे हुकुमचंद द्वारा 22 मई 2022 को जमा कर देने की बात भी विभिन्न कर बकाया बताते हुए 8 जुलाई 2022 को कर जमा किए जाने को लेकर नोटिस थमाया जा चुका है। जहां कर जमा किए जाने के बाद नोटिस समाये जाने पर नगरवासियों में आक्रोश व्याप्त है। शिवपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। क्या मामला नगर पालिका को लेकर के क्या शिकायत करना चाह रहे थे आप? नगर पालिका में संपत्ति कर जमा हो चुका है मेरा 2023 तक, उसके बाद ही मुझे नोटिस दिया गया है। आपका 2023 तक का संपत्ति कर जमा है लेकिन फिर भी नगर पालिका आपको नोटिस समा दिया मुझे आज? उसकी रसीदें हैं आपके पास? हाँ है ना, उसकी रसीदें हैं आपके पास। जमा कैसे? कब जमा किया था आपने? 23/5 को। 23/5 25/5/2022 25/5/2022 को आपने संपत्ति कर जमा किया था। कब तक के लिए किया था? 2023 तक के। मार्च 2023 तक। लेकिन उसके बावजूद भी आपको नगर पालिका ने नोटिस जारी कर दिया। कब नोटिस आया था आपके पास? आज यार। आज नोटिस आया था, यानी 30 जुलाई 2022 को आपको नोटिस प्राप्त हुआ। आप नगर पालिका के आ रही हैं और हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि नगर पालिका के माध्यम से जो संपत्ति कर वाले मामले थे जिनके पैसे जमा हो गए उनको भी आपके यहाँ से नोटिस जारी किए जा रहे हैं, क्या कारण है कि उनको नोटिस दिए जा रहे हैं नगर पालिका द्वारा? आपको विदित है कि 13 अगस्त को लोक अदालत लगने वाली है और लोक अदालत के अंतर्गत जितने भी कर धारक हैं उनको छूट दी जाती है, पेनल्टी से, अधिभार से, तमाम तरह की छूट दी जाती है। छूट देने के एवज में उनको नोटिस जारी किए जाते हैं। अब ये नोटिस पूर्व में चला गया था या इस व्यक्ति ने, जो भी संबंधित व्यक्ति इस चीज़ को बता रहा है, तो वो उसने पैसे जमा कर दिए और वो नोटिस जारी हो चुका हो पहले से, वो उसको मिल गया, ये हो सकता है। बाकी कोई ऐसा इश्यू नहीं है, ये केवल और केवल नेशनल लोक अदालत में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से लोगों को हमने नोटिस जारी किए हैं जिनके ऊपर बकाया है। ऐसे लोगों को हम नेशनल लोक अदालत 13 अगस्त तक जमा करने पर हम पिछली बकाया राशि की प्रभार में, पेनल्टी में, अधिभार में छूट देंगे। यानी यही उद्देश्य रहा कि जो नोटिस जारी किए गए वो आनन फानन में नोटिस जारी कर दिए गए और ध्यान नहीं रहा कि पहले से पूर्व से जिनका पैसा जमा था उनको भी नोटिस जारी कर दिया गया, क्योंकि छूट को लेकर हो सकता है उसकी एंट्री नहीं हो पाई हो हमारे वसूली कुनिंदा से। और ये आपने अगर ये बात हमारे संज्ञान में लाए हैं तो मैं उनसे बोल के वो एंट्री करवा दूंगा।